वाला झूला झूल के कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया एकदम। तो मेले में गुटका का प्रमोशन चल रहा है, तो एक के साथ दो फ्री। भाई मजे आ गए फ्री के गुटका? मजा तो आएगा ही, हमें पता, हम खाते रहते हैं। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के सबसे बड़े दशहरा मेला में, जो लगा हुआ है लाल किला के पास, जो मैदान है उसमें। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को, काफ़ी कुछ है करने को, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहा सामने लाल किला और ये रहा लाल किला के सामने ग्राउंड जिसमें मेला लगा हुआ है। दोस्तों, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इस मेले की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। बड़े मैदान में मेला लगा हुआ है और इतना बड़ा मेला है कि आपको क्या बताऊँ, काफ़ी चीज़ें देखने को है, काफ़ी चीज़ें खाने को है, काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को है कि आप थक जाओगे और सोचोगे अगर हम करें तो करें क्या। ये मेला 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। यहाँ पर एक साथ 3 मेले लगे हुए हैं। इस मेले की टाइमिंग 5 बजे से रात के 12 बजे तक की है। तो दोस्तों, अगर आप लाल किला के मेले में आ रहे हो तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कार पार्किंग की दिक्कत होने वाली है और यहाँ पर जो कार पार्किंग के चार्जेस हैं 40 रुपीज़ हैं 4 आर के, उसके बाद आपके 40 रुपीज़ लगेंगे 1 आर के, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मेला ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रामलीला दिखाई जा रही है और इस रामलीला में बॉलीवुड लेवल के एक्टर और एक्ट्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जिस एक्टर की आवाज़ आप सुन रहे हो, ये अरसानी जी की है। पहली बार देखे, ये नाचते नाचते तीर को तोड़ेंगे या खुद ही टूट जाएंगे। और इसी मेले में ये दूसरा स्टेज है जहाँ पर रामलीला चल रही है किसी दूसरी कमेटी के द्वारा। यहाँ की रामलीला खत्म हो चुकी है और अब हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। दोस्तों देख सकते हो, हर तरह के फूड आउटलेट है यहाँ पे, तो यहाँ पर जीन सिकंजी वाला भी मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, जब आप दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाते हो तो इस रोड पे आपने जीन सिकंजी वाले बहुत सारे देखे होंगे, तो यहाँ पर भी आपको जीन सिकंजी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ एक ऐसा फूड कोर्ट जो आपने शायद किसी भी मेले में नहीं देखा होगा, और ऐसा फूड कोर्ट यहाँ पर एक नहीं काफी सारे हैं, और वो भी ऊपर से एसी वाला फूड कोर्ट। चलिए आपको दिखाता हूँ, काफी फैंसी सा है, काफी बढ़िया सा है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी खाने के लिए यहाँ पे कूपन लेना पड़ेगा। तो देखो, मैंने मोमोज लिए जो 100 रुपए का कूपन है और इसमें 5 पीस मोमोज मिलेंगे। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हो, ऐसे मोमोज आपको कैफे मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर मेले में इस तरीके के काफी अच्छे मोमोज मिल जाएंगे जो आपको शायद किसी भी मेले में ना मिले। और भाई, टेस्ट भी काफी अच्छा है, आधा खा चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आप मेला आ रहे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा फूड, आप SND केटर से ही खाना। भाई एक नंबर फूड है और एक नंबर मोमोज था, मोमोज का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, सारे फूड की क्वालिटी एक नंबर है, मेले वाले से हटकर है। ऐसा नहीं है कि मेले जैसा खाना है, और देख सकते हो आप, पूरा फुली कंडीशन एयर कंडीशनर। मेले में कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोई सी भी पीनी है, सारी चीज़ें मिलेगी आपको इसके अंदर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लाइन क्यों लगी होगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ ये लाइन क्यों लगी है। तो देखो, आप देख रहे हो ये बच्चे, कुछ लोग ये धनुष बाण खेल रहे हैं। तो एक्चुअली सीन ऐसा है कि इनको मारना है और रावण के सर पे अगर तीर लगती है तो इनको पान बाहर फ्री में मिल जाएगा, बोले तो गुटखा फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारी भीड़ जो है गुटखा खाने के लिए लगी हुई है, फ्री के गुटखा खाने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह, क्या सीन है, ये देखो भाई, ये बाट रहा है भाई, ये देख सकते हो, जुबा केसरिया। आ गए भाई मजे आ गए फ्री के गुटखा? मजा तो आएगा ही, हमें पता, हम खाते रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सच बता रहा हूँ, अगर दिल्ली NCR में रहते हो, अगर ऐसा मेला नहीं देखा तो भाई आपने कुछ नहीं देखा। अगर मेले में घूमने आ रहे हो और खाने पीने के शौकीन हो तो भाई एक ज्ञान की बात कि अपने साथ कैश लेकर चले, ऑनलाइन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे। तो भाई मैं भी ऑनलाइन के चक्कर में आ गया, तो मेरे पास तो कैश था तो हो गया जुगाड़, बट आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपने साथ कैश जरूर लेकर आए, ऑनलाइन के भरोसे ना रहें। दोस्तों, ये रोलर कोस्टर वाला झूला झूल के कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, एकदम अच्छा। ये हो गई यार, पसीना आ रहा है। वो अज्जू YouTube पे, वो अज्जू चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और भाई के चैनल को भी बहुत सारा प्यार दिखाना। हटा देना भाई। और पहले बता, झूला झूल के कैसा लगा? झूल के कैसा लगा? देखो तो भाई सही झूला है। क्या हुआ? आ रही थी भाई, क्या आ रही थी? टट्टी आ रही थी भाई।
भाई झूले पे सबको पेशाब आते थे। अच्छा अच्छा मजा आ गया भाई, पूरा मजा अभी तक मेरे सर चकरा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है भाई। बड़ी मुश्किल राइड थी भाई, गर्दन दबा के जबरदस्ती बंदा लेके आया ये, हम जा नहीं रहते। तो भाई सब अपना अपना पीछे दिखा दो, सब सेफ है ना। क्या बढ़िया था गुरु। तो ये देख लो दोस्तों, मेले में गुटखा का प्रमोशन चल रहा है, तो एक के साथ दो फ्री। हांजी भैया ये क्या है? ये सिग्नेचर प्रीमियम पान मसाला। सिग्नेचर प्रीमियम पान मसाला एक के साथ दो फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा अगर मैं ये लेता हूँ तो देख रहे हो भाई, पान मसाला भी बिक रहा है इस मेले में, एक के साथ एक फ्री। यहाँ पर हल्दीराम का भी काउंटर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये रथ है जो रामलीला में यूज हो रहा है, इस पे राम लक्ष्मण या जो राजा महाराजा यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं स्टेज पे, वो इसी पर बैठकर आ रहे हैं। और ये रहा यहाँ का हॉन्टेड हाउस जो बताया जा रहा है काफी डरावना है, और इसकी एंट्री टिकट 70 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर आपको बड़े से छोटे हर तरह के झूले झूलने को मिल जाएंगे, जिसकी टिकट लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में होने वाली है। मेले में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनका ध्यान रखें। तो दोस्तों आपने किसी मेले में एक जायंट व्हील देखा होगा, दो जायंट व्हील देखा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन तीन बड़े बड़े जायंट व्हील लगे हुए हैं। और देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत, कितना सुंदर सा लग रहा है, चकरी चकरी सी घूम रही है। और सिर्फ ये जाइंट व्हील, ये दो तीन तीन चार चार नहीं है, और भी झूले हैं जो तीन तीन चार चार नंबर्स में है। दोस्तों जैसा कि ये मेला 12 बजे तक चलता है, तो मैं 9 बजे तक यहाँ पहुँच चुका था, और अब मेला एक्सप्लोर करते करते 12 बज गए, और 12 बजते ही ये मेला बंद कर दिया गया। आप देख सकते हो मेरे पीछे सारी लाइट से ऑफ हो चुकी है, सारे झूले अब धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।